हमारे जो पेशेंट हैं ट्वेंटी फोर ईयर ओल्ड फीमेल है इसमें जो पेशेंट की विश है कि जो दो अपर एंड लोअर लिप दोनों का फुलनेस बढ़ जाए थिकनेस बढ़ जाए साइज़ बढ़ जाए सो so हम लोग इसमें फिलर इंजेक्शन करेंगे फिलर सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल रहता है जो कि बॉडी में डालने के लिए ही बना है स्ट्राइल मटेरियल रहता है इनर्ट मटेरियल रहता है जिसके अगेंस्ट बॉडी में रिएक्शन नहीं होती है जो फिलर्स रहते हैं मोस्टली सिक्स मंथ टू टेन मंथ तक रहते हैं और उसके बाद उनका जो एब्जॉर्बशन हो जाता है या उसका विजिबिलिटी जो फिलर की वो कम होने लगती है तो इसको रिपीट करने की ज़रूरत भी पड़ती है इस प्रोसीजर में करीब फाइव मिनट्स टू टेन मिनट्स का समय लगता है नम करते हैं उस पार्ट को जहाँ भी हमें फ़िलर डालना है और उसमें इंजेक्ट करते हैं उस साइड पर इस प्रोसीजर में करीब वन वन एम हमने फिलर यूज़ करा है अपर और लोअर लिप दोनों में इस प्रोसीजर के बाद हल्का सा स्वेलिंग रहता है इसके अलावा बाकी ऑफिस प्रोसीजर है आप बीच में ब्रेक लेकर आ सकते हैं और वापस अपने काम पर जा सकते हैं कोई आराम करने या कोई मेडिसिन लेने का जरूरत नहीं रहता है जो फिलर्स रहता है जैसा कि अभी बताया कि इसका इफेक्ट एट टू तो टेन मंथ तक रहता है उसके बाद अगर फिलर की ज़रूरत पड़ती है तो उसका ड्यूरेशन ऑफ स्टे बढ़ते जाता है मतलब उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट और कम होते जाती है मतलब और अधिक समय तक वो स्टे करता है बॉडी में जो कॉस्ट रहती है वो डिपेंड करती है कि हमें कितना वॉल्यूम फिलर यूज़ करा है सपोज वन एम यदि फिलर यूज़ करते हैं तो अराउंड ट्वेल्व थाउजेंड कॉस्ट रहती है ट्वेल्व टू फोरटीन थाउजेंड और यदि टू एम फिलर यूज़ करते हैं तो कॉस्ट अराउंड ट्वेंटी टू थाउजेंड कई पेशेंट चाहते हैं कि परमानेंट सॉल्यूशन रहे इस चीज़ का तो उसके लिए हम लोग फैट इंजेक्शन भी करते हैं जिसमें हम लोग बॉडी के दूसरे पार्ट का अपडाउन या थाई का फैट को निकालते हैं सेंट्रीफ्यूज़ करते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसे फिर इंजेक्ट करते हैं ये जो फैट इंजेक्शन रहता है वो लंबे समय तक रहता है ये फैट ग्राफ्टिंग हम लोग ब्रेस्ट में भी करते हैं नोज़ में भी करते हैं और फेस के दूसरे पार्ट में जहाँ पर डिप्रेशन है या एजिंग है उसमें भी कर सकते हैं तो उसको प्रोसीजर में ड्यूरेशन अधिक रहता है कॉस्ट भी अधिक रहता है और उसमें एनिस्टिशा भी देना पड़ता है ये आप आफ्टर का इमेजेस देख रहे हैं नीचे वाले इमेजेस तो आप देख सकते हैं जो फुलनेस आ गई है अपर और लोअर लिप में काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं लिप पहले से